हमारे पास अभी तक 91 का आंकड़ा है जो भारतीय रूसी सेना में भर्ती किए गए हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से 8 की मौत हो चुकी है। 14 भारतीयों को सरकारी सहायता से रूसी सेना से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 69 भारतीय अभी भी रूसी सेना से बाहर निकलने के इंतजार में हैं। हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने खुद रूसी विदेश मंत्री के सामने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। पिछले महीने अपने रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने इस मुद्दे को उठाया था। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने उनको आश्वासन दिया था कि रूसी सेना में भर्ती हर भारतीयों को वहां से आज़ाद कर दिया जाएगा। समस्या ये है कि रूसी अधिकारी यह मानते हैं कि इन भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना के साथ सर्विस के लिए करार किया था, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। मुझे लगता है कि हमारे नागरिकों को गुमराह किया गया था। उन्हें बताया गया था कि वे किसी अन्य नौकरी के लिए जा रहे हैं और फिर उन्हें रूसी सेना में तैनात किया गया। माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। उनका मेन प्रश्न यही था। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस मामले में अभी तक CBI ने 19 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। उन 14 लोगों की जाँच भी हुई है जो रूस से लौटे हैं। 10 मानव तस्करों के खिलाफ पर्याप्त सबूत सामने आए हैं। इस मामले की जांच के दौरान 24 अप्रैल को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 7 मई को 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी 4 अभियुक्त अभी न्यायिक हिरासत में हैं।